पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में स्थापित की जाने वाली रामलला की नई मूर्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को इंदौर में पूछा, जिस मूर्ति को लेकर पूरा झगड़ा हुआ वो कहाँ है, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डॉर्मेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। 22 जनवरी को अयोध्या जाने के सवाल पर कहा, मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, भगवान राम हमारे हृदय में बसे हैं। दिग्विजय सिंह विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे पहली बार इंदौर आए। यहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। विधानसभा चुनाव में हार के कारण भी जाने, उन्होंने कहा, मतगणना वीवीपैट की पर्ची से ही की जानी चाहिए। हम ये कहां कह रहे हैं कि मतदान ईवीएम से नहीं कराएं। हम तो चाहते हैं कि वोटिंग के बाद वीवीपैट में गिरने वाली पर्ची लोगों के हाथ में दी जाए और एक अलग बॉक्स में उसे अपने हाथ से डालने का अधिकार दें। ये देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अधिकार है। पेटी में डाली गई पर्ची की काउंटिंग से चुनाव परिणाम घोषित किए जाएं। दिग्विजय सिंह मंगलवार देर रात इंदौर पहुंचे, बुधवार को वे कार्यकर्ताओं से मिले। चुनाव चिन्ह कुछ और, छपता कुछ और है। दिग्विजय सिंह ने आईआईटी दिल्ली के छात्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा किए गए प्रयोग का हवाला देते हुए कहा, इस छात्र के पिता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने प्रयोग किया है। हम जब बटन दबाते हैं तो दिखाता तो वही चुनाव चिन्ह है, लेकिन छपता कुछ और है। यानी कोई सॉफ्टवेयर इस प्रकार का बिल्कुल हो सकता है कि दिखे कुछ, छपे कुछ। उन्होंने आगे कहा, हमें वीवीपैट में कुछ मत दिखाइए, लेकिन जो पर्ची छपी है वो हमारे हाथ में दे दीजिए। थोड़ी थोड़ी चोरी करते हैं ताकि पकड़े ना जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा, ये देश के 90 करोड़ मतदाताओं का संवैधानिक अधिकार है जिसे आप नहीं छीन सकते। वे अब हमसे कहते हैं कि कांग्रेस तेलंगाना कर्नाटक में कैसे जीत गई। यदि गुप्त रूप से चोरी करने वाला सारा माल ले जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। ये चोरी शुरू हुई है गुजरात चुनाव 2012 के बाद से। 2014 में कहा कि बहुमत मिलेगा, सरकार बन गई। 2019 में कहा कि 300 पार सीटें लाएंगे, 303 मिल गई। ये चुनाव के पहले ही घोषणा कर देते हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है, ये बड़ा सवाल है। दिग्विजय सिंह ने बुधवार सुबह ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ लिखते हुए ट्वीट किया, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, निर्वाचन आयोग विपक्ष की बैठक में बाधा क्यों डाल रहा है, हम उस चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करें जो प्रमुख विपक्षी दलों से मिलने से ही इनकार करता है। आयोग और अधिक पारदर्शी क्यों नहीं हो सकता, अगर ये इतना सुरक्षित है कि कोई भी इसे हैक या हेरफेर नहीं कर सकता है तो सार्वजनिक डोमेन में चिप पर सोर्स कोड क्यों नहीं ला सकता। लड़ाई है, लड़ेंगे। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, होना ही चाहिए। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। 1985 में मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था और हमने काम किया। मेरे साथ अनेक और नौजवान थे, राजशेखर रेड्डी थे, भूपिंदर सिंह हुड्डा थे, अहमद पटेल थे, अशोक गहलोत थे, हमारे फर्नांडिस ऑस्कर फर्नांडिस साहब थे। तो ये पूरी नई पीढ़ी थी हमारी जो अब तक हम लोगों ने सेवा की कांग्रेस की। अब नए लोगों को मौका मिला, अच्छी बात है। सर, 2024 में जो हार हुई उसका मंथन भी कांग्रेस की 2023 में, हाँ, क्या कुछ निकल उसमें चर्चा हुई है, पार्टी उस पर निर्णय ले रही है। सर, मेन क्या मुद्दा आपको लग रहा है ईवीएम को लेकर, तो आप खाई रहे सवाल, लेकिन सर, कई ऐसी चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए प्रशासन का पूरा तंत्र, फर्जी वोटिंग, फर्जी नाम जोड़े गए वोटर लिस्ट में, ये सब चीज़ें थीं। उसके बाद भी ये लोग हार रहे थे क्योंकि सारे सर्वे कांग्रेस को जता रहे थे। अब उसके बाद नतीजे कुछ उल्टे आए। और यही नहीं है, हमारा तो ईवीएम से केवल एक हमारे आपत्ति है कि हमें कहाँ वोट देना है, ये हमारा अधिकार है। हमको 7 सेकंड के लिए दिखाते काहे को, हमारे हाथ में दे दो वीवीपैट स्लिप, ताकि हम उसको जो प्रिंट होता है वो हम देख लें और मत पेटी में अलग से डाल के डाल दें। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए।
उसके बाद 542 का देगी सर अगले चुनाव में सर है? मुझे न्योता की आवश्यकता नहीं है सर, क्या भूमिका में रहेंगे आप दिग्विजय सिंह जी 2024 में? और सड़क पर जैसे पहले थे, फिर भी आज सड़क पे ही है सर। रणनीति सर, जो सीटें हैं लंबी समय से 28 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस को हार मिली थी, एक सीट मिली थी, देखते हैं। आजादी से लेकर आज तक इस प्रकार ईडी सीबीआई आईटी का राजनीतिक दुरुपयोग या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया गया, जो अब किया जा रहा है। चुनाव हो रहा है, विपक्षी दलों के ऊपर छापा डाल दो और खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वोटर को पैसा दे रहे हैं, वो कहां से आया? वो क्या चेक से दे रहे हैं? हाँ, अब एक और नई बात शुरू हो गई है, चुनाव चल रहा है और आप किसानों के और लाडली बहना के खाते में पैसे डाल रहे हैं, ये क्या पक्षपात नहीं है? और ये योजना किसकी चुराई हुई? भाजपा ने हम लोगों से चुराई। कर्नाटक हिमाचल में हमने कर दिया और कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी। आज कॉपी पेस्ट जो होता है शिवराज सिंह जी ने कर दिया। अब हम मांग करते हैं कि उन्होंने कहा था 3000 देंगे, अब 3000 दो मुख्यमंत्री जी, कब से दे रहे हो बताओ, वादे किए हैं पुण्य भाव। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोर मैट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।